नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन हिंद न्यूज। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। प्रशासनिक कैंप में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, क्षेत्रवासियों ने बुझाई आग। 807 उर्स के झंडे की रस्म अदा, रजब की चांद दिखने के बाद उर्स की होगी औपचारिक शुरू। पंचोली चौराहा पर शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर हुए भजन कीर्तन, बड़ी संख्या में महिलाओं ने गाए एक से एक भजन, फागोत्सव भी मनाया। 10 करोड़ की लागत से आधे अधूरे कार्य का रेलवे स्टेशन पर हुआ उद्घाटन, राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने किया उद्घाटन, प्लेटफॉर्म नंबर 6 के कार्य का भी हुआ शुभारंभ। रेलवे स्टेशन के कार्य के उद्घाटन में कांग्रेस प्रतिनिधि को नहीं बुलाने पर कांग्रेसी ने जताई नाराजगी, जबकि कोई भी जीता हुआ सांसद या विधायक नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय जैन ने रेलवे अधिकारियों पर राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप। अजमेर में भी लोग धूमधाम के साथ मना रहे हैं शिवरात्रि का पर्व, हर मंदिर में लग रही है भक्तों की लंबी कतारें। बधिर विद्यालय में लगा फंड्स कलेक्ट करने के लिए मेला, जो भी आएगा पैसा वो दिया जाएगा स्कूल के लिए, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मेले में। रेलवे स्टेशन पर कूलियों ने किया आम भंडारे का आयोजन, शिवरात्रि के पावन पर्व पर किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया प्रसाद। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com, सच के साथ।